डूइंग गुड। सॉरी काफ़ी टाइम बाद व्लॉग्स आए और इस टाइम पे मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी और आपको पता होगा कि क्या फेस चल रहा है मेरा भी लाइफ में। बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो बेसिकली हम लोग का बहुत ज़्यादा टफ टाइम चल रहा था, तो वही बातें मैं आप सबसे शेयर करने आया हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का एकदम कोई मोटिव नहीं है कि कोई किसी को जाकर हेट दे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपसे हर चीज़ शेयर करना चाहता हूँ, बट हाँ भले मेरे को थोड़ा शेयर करने में और व्लॉग्स बनाने में देरी लग रही है, बट उसके बहुत सारे स्ट्रॉन्ग रीजन्स थे। और ये बात अगर मेरी होती तो मैं शायद ये चीज़ बोलता भी नहीं, बट बात का इतना लेवल गिर गया है कि ये बात मेरे पेरेंट्स तक भी आ गई है और उनके ऊपर भी बहुत ब्लेम्स और बहुत चीज़ें करी गई हैं। गाइस, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जो मैं इन 4-5 सालों में समझ पाया हूँ कि आप कुछ भी करो, कुछ अच्छा भी करो, तो भी आपको हेट मिलती है। चाहे आप चीज़ें कुछ शेयर करो चाहे ना करो, लोग तो आपको हेट करते ही हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज नहीं आया हूँ जो मेरे लिए ऑलरेडी अपने दिमाग में एक इमेज पर्सपेक्टिव। लड़ाई इस पब्लिक में हो रही है। पब्लिक में लड़ाई नहीं, वो लोग भी तो समझे कि ग्लैम कपल इतना बोलते हैं। ग्लैम कपल काहे का ग्लैम कपल भैया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट्स टॉक अबाउट हिमांशी एंड हर प्रॉब्लमेटिक मैरिज विद ऋषि। हिमांशी गॉट मैरिड इन 2019 विद ऋषि। इन दोनों की शादी जब हुई थी उस टाइम पर इंटरनेट पर मीडिया का धमाल मच गया था बिकॉज हिमांशी लुक सो ब्यूटीफुल। ऑल ओवर द इंडिया यही बात हो रही थी कि हिमांशी इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है, प्लस क्या ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। After that, Himanshi ने रिवील किया कि ये उनकी लव मैरिज है और ये दोनों एक दूसरे को फेसबुक विया मिले थे। फेसबुक विया ऐसे नहीं कि फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और उसके बाद मिल गए हैं, ऐसे कि किसी शादी में मिले थे एंड देन उसके बाद ये लोग फेसबुक पर मिले एंड दे लिंक्ड अप इमीडिएटली। इन्हें लगा कि इन दोनों की वाइब्स मैच हो रही हैं और फिर उसके बाद इन्होंने अपने घर पर बात की। अब अगर हम इना हिमांशी के इनिशियल डेज की बात करें, जब उसने यूट्यूब खोला था तो वो ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें बताती थी, बट आफ्टर मैरिड लाइफ उसने मैरिड लाइफ के रूटीन्स वगैरह के बारे में बताना शुरू कर दिया और ब्यूटी के बारे में बताने के अलावा वो व्लॉगिंग करना भी स्टार्ट करने लग गई। उससे पहले नहीं करती थी, आफ्टर दैट वो करने लग गई कि उसने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या नहीं पहना, ये सब कुछ आजकल इन्फ्लुएंसर अपने सोशल मीडिया लाइफ में फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। हिमांशी ने भी सेम यही किया, बट इनिशियल वेज पे अगर हम देखते तो हिमांशी कैमरा के सामने काफ़ी अनकंफर्टेबल होती हुई फील आती थी। हमें ऐसा लगता था कि हिमांशी डजंट लाइक टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उसे बस पीछे से ही बात करना पसंद था या फिर अगर वो कुछ भी काम कर रही है उसे वो शो करना पसंद नहीं था। स्टार्टिंग में वो काफ़ी ज़्यादा शर्माती थी, ग्रेजुअली उसे आदत हो गई। उसे क्या पता था कि ये सोशल मीडिया जहाँ पर ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है वो सोशल मीडिया इसकी लाइफ को एकदम ख़राब कर देगा, क्योंकि सोशल मीडिया में आने के बाद से ही जब से इसने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ को शेयर करना स्टार्ट किया है तब से ही लोगों को पता चला है कि इसका एक्चुअल नेचर क्या है और क्या नहीं। सी, हम लोग नहीं कह सकते कि क्या किसका एक्चुअल नेचर है, जैसे कि पारस की जो फर्स्ट वाइफ थी स्नेहा सचदेवा, उनका भी व्लॉगिंग में जो नेचर है वो कुछ और ही दिखता था पहले और अभी भी कुछ और ही दिखता है। ऐसा लगता है कि टू डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। पहले वाली बिल्कुल दीन दब्बू जो बिल्कुल भी बात नहीं करती थी, सिर्फ पारस ही उसके सामने बात करता था, और दूसरी वाली जो अभी की है जिसमें अपने बेटे के बारे में भी केयर नहीं करती है और बस अभी तो एकदम मस्त बिंदास जी रही है लाइक अ गर्ल। तो पारस ने भी ना पहले हर एक चीज़ रिवील कर दी थी, इस वजह से अब वो चीज़ें रिवील करने से डर रहा है और इतनी सारी बता नहीं रहा है। इवन तो ये भी हो सकता है कि उसे बहुत ज़्यादा लाइमलाइट चाहिए है, इसीलिए वो अपनी वाइफ के ऊपर ऐसे मास्क लगा के लेके आया है। ये सब कुछ जो होता है वो सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ शेयर करने की वजह से ही होता है। इफ़ यू शेयर योर पर्सनल लाइफ विद द पर्सन यू डजंट नो इवन, आप जिसको जानते भी नहीं हैं उसके साथ अगर आप पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं तो यही सब होता है। प्लस आजकल लोग अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए या लाइमलाइट में वापस आने के लिए भी ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा को अपनाते हैं, तो जिनका जेन्युइन भी होता है वो भी नहीं लगता। लाइक अगर आप देखेंगे कि फ्लाइंग बीस ने भी अभी कुछ दिन पहले ही पोस्ट किया था, देन आप उनको करवा चौथ पर मेहंदी लगवाते हुए देख सकते हैं विद ऋतु राठी, वो ऋतु के साथ गए हुए थे।
प्लस उसके बाद वो क्लैरिफिकेशन में कहते हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स ने कभी आपको क्लैरिफाई नहीं किया तो डोंट एक्सपेक्ट अस फ्रॉम फॉर क्लैरिफिकेशन। सो ऐसे ही जब जनता ना आपको इतना ज़्यादा प्यार दे रही है, जब आप हर एक चीज़ उनसे शेयर कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो आपसे पूछेगी कि ऐसा क्या हुआ था या क्या नहीं। या फिर ऑलमोस्ट लोग ऐसे भी होते हैं पूछने वाले जो कि उनसे कमेंट करके मज़े लेने के लिए आते हैं। यू नो, सोशल मीडिया में सिर्फ एक ही टाइप के लोग नहीं बैठे होते, अलग अलग टाइप के लोग बैठे होते हैं जिनका माइंडसेट भी बिल्कुल अलग होता है। इसीलिए आप हर एक चीज़ अगर सोशल मीडिया पर डालेंगे, आप उसको अपना इनकम बना लेंगे कि डेली लाइफ व्लॉगिंग, अगर व्लॉगिंग आपको अगर करनी है, आप उसी को ही अपनी लाइफ बना के चल रहे हैं, तो आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा, जहां लोग आपसे हर एक जगह अपडेट मांगेंगे, आपने क्या खाया क्या पिया, क्योंकि इसी से ही आप अभी तक अर्न कर रहे थे और इसी से ही आप अर्न करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपसे लोग भी पूछेंगे। प्लस दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो भी दिखा रहे हैं लोग उसे बहुत नॉर्मल मान लेते हैं। जैसे मानिए कि बीच में बाली को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया था, सारे इन्फ्लुएंसर्स बाली की फ़ोटोज़ डाल रहे थे, तो सबको ये लग रहा था कि बाली काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल होगा, और बाली की जो भी ग्रोथ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, वहाँ पे इंडियंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा जाने लगे थे। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि इन्फ्लुएंसर जो भी चीज़ें करते हैं बहुत सारे लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। जाता है बट मैं से लेकर पूरा मैनेजमेंट वीडियो कैसे जाएगा, कब जाएगा, सारी चीज़ों की मेहनत करी, और फिर उसके बाद लोग आकर यही बोले कि तुमने सिर्फ दूसरों का यूज़ करा है। तो मैं उन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भैया पहले आप जाकर उस चैनल को देखिए, उस चैनल की ग्रोथ कहाँ से लेटिव थी, हर चीज़ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी कभी। क्योंकि हिमांशी पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और ऋषि को कोई जानता भी नहीं था। हिमांशी और ऋषि की शादी के बाद ही हमें ये पता चला कि वो ऋषि है, और ऋषि का खुद का कोई फेम नहीं था, हम उसे हिमांशी के हस्बैंड के नाम से जानते थे। बट फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ऋषि भी फेमस होता गया और हम उसे जानने लग गए। अब जब इनका सेपरेशन हुआ तो लोगों ने ऋषि के ऊपर भी एलिगेशन उठाना शुरू कर दिया कि ऋषि ने हिमांशी के जो फेम का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि फेमस सिर्फ और सिर्फ हिमांशी थी। ऋषि ने इस बात को भी क्लैरिफाई किया है कि ऋषि ने उस चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो हिमांशी का चैनल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और ये सब कुछ करने की ज़रूरत तो शायद अब पड़ी है। जैसे पारस छाबड़ा का चैनल पहले इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद डिवोर्स के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। लेकिन बड़ा होने के बाद क्या हुआ, एक आध महीने की ही लाइमलाइट की रह गई और स्नेहा का चैनल काफ़ी ग्रो कर गया, और पारस धीरे धीरे करके लॉस में चला गया, और पारस अब अपनी सेकेंड मैरिज के टाइम पर वापस से फेमस हुआ है। बट शायद ये भी कुछ ही टाइम का टेम्परेरी है, जब तक उसकी वाइफ का चेहरा रिवील नहीं हो जाता। सो यह आई थिंक ये सब कुछ ना एक प्रोपेगेंडा की तरह काम करता है, लोग अपनी रियल लाइफ में इन्फ्लुएंस करते करते रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और वो भी बाहर देखने लग जाते हैं कि क्या क्या था क्या नहीं था, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, बाहर तो ऐसा हो रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और इस वजह से ब्रेकअप्स या फिर रिश्ते टूटने लगते। So yeah, that's it for the video. Do let me know कि आपको क्या लगता है दोनों में से किसकी गलती है। वैसे तो हमें दोनों में से किसी का नहीं पता, तो we can't say anything. But फिर भी आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो हमें बताएं, कॉमेंट करके बताएं। प्लस आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो सुनना पसंद है ये भी बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।